हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हेयर विद द एमसीक्यू सेशन ऑफ चैप्टर सर्कल्स। सो यहाँ पर हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लिए हैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, ए डी इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड ए बी इज़ अ कॉर्ड। सो हम इसका डायग्राम बनाएंगे। सो लेट अस कंसीडर दिस सर्कल। ठीक, ए डी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल। सो ए डी को हम डायमीटर बनाते हैं। मान लीजिए ये आपकी डायमीटर है ए डी, दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट डी। ठीक है, एंड ए डी आपकी 34 है। ए डी कितनी? 34 ये हमने मान लिया। ए बी इज इक्वल टू 30, ए बी कॉर्ड है। सो ए बी आपकी कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 30। द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर, मान लीजिए सेंटर आपका ओ है। सो सेंटर ये आपका ओ है। डिस्टेंस आपको निकालना है फ्रॉम ओ से। सो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो ए बी आपका कितना था? ए बी था आपका 30। सो ए, इसको आप टी मान लीजिए इस पॉइंट को। सो ए टी की वैल्यू आ जाएगी 15। ये आ गई 15। ओके, और यहाँ से आपका ए डी जो था वो डायमीटर था। सो ए ओ रेडियस हो जाएगा, ए ओ रेडियस दैट इज़ 17 आ जाएगा। ये आ गया 17। नाउ यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो ओ टी की वैल्यू आ जाएगी, और ओ टी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? ओ टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ हाइपरटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दैट इज 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। सो 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, और 17 स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? 289 होता है। 15 स्क्वायर 225 होता है। सो अंडर रूट ऑफ 64 आ जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। 8 सेंटीमीटर, हाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो हेयर दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, इन क्वेश्चन नंबर टू में आपका एक फिगर दिया हुआ है। इन फिगर 10.3, दिस इज द फिगर 10.3। ओके, सो इट इज़ गिवन दैट ओ ए इज इक्वल टू 5। आपको ओ ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5। ए बी इज 8, ए बी आपको 8 दिया हुआ है। ओ डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ये परपेंडिकुलर है। ए बी 8 है, सो ए सी आपका 4 हो जाएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, सो सी डी की वैल्यू निकाल लें। सबसे पहले आप ओ सी निकाल सकते हैं। ओ सी कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। हाइपरटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर कर देंगे। सो ओ सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर आपका होता है 25, 4 स्क्वायर 16, यानी ओ सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9, और ये 3 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 दैट इज़ 3। सो ओ सी आपका क्या आ गया? 3 आ गया। एंड नाउ यू नो दैट ओ ए इक्वल टू ओ डी था। सो ओ डी आपका पूरा था 5, और सी डी कैसे आ जाएगा? तो सी डी की आपकी जो वैल्यू होगी वो आपकी आ जाएगी 5। देखिए ओ डी आपका 5 है और ओ सी आपका 3 है। सो 5 में से 3 माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 3, और सी डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, दैट इज़ द फाइनल आंसर। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सो देखेंगे व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, और इसको हम थोड़ा सा अपवर्ड्स कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए बी इज इक्वल टू 12 एंड बी सी इज इक्वल टू 16 एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देन द रेडियस ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड सी इज़। सो इसमें कुछ फिगर आपका बनेगा, ऐसा कुछ फिगर बनेगा, हम आपके लिए फिगर बना दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ए बी इज इक्वल टू 12, तो ए बी मान लीजिए हमने ऐसी लाइन ले ली है। ए बी की वैल्यू कितनी है? 12 है। ठीक है, एंड बी सी इज इक्वल टू 16। सो बी और सी, बी सी इज इक्वल टू कितना है आपका? 16 है। एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। देन द रेडियस ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी एंड सी, आपको रेडियस बतानी है। सो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए ये 90 है, सो ये आपकी डायमीटर होगी, बिकॉज एंगल इन द सेमी सर्किल इज 90 डिग्री होता है। उस हिसाब से ए सी आपकी हो जाएगी डायमीटर, एंड यू विल लेट दिस पॉइंट एज ओ, और ओ ए आपकी हो जाएगी रेडियस। सो आपको ओ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे। 12 स्क्वायर 144, 16 स्क्वायर 256, तो 400, और ए सी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 400, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, और ए ओ आपका आ जाएगा 20 बाई 2, दैट इज़
10 सेंटीमीटर। सो थर्ड का ऑप्शन आपका होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 10 सेंटीमीटर विल बी द फाइनल आंसर। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इन फिगर 10.4, दिस इज़ द 10.4 फिगर, एंगल ए बी सी इज़ 20। ए बी सी आप देख सकते हैं ये एंगल 20 है, ए ओ सी निकालना है। सो दिस एंगल यू हैव टू फाइंड। यू नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। सो ए सी एक आर्क है जिस आर्क ने एंगल सबटेंड किया ए बी और सी, और उसी आर्क ने दूसरा एंगल सबटेंड कर दिया सेंटर पे ए ओ सी। सो एंगल ए ओ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 times हो जाएगी, इज इक्वल टू 2 times ऑफ 20, दैट इज 40। और किस मेथड से हुआ? एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। सो 40 आंसर इसका, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ए ओ बी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्किल। यू कैन सी ए ओ बी क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्किल है। सो ए ओ बी इज़ डायमीटर, सो दिस एंगल इज 90 degree। ठीक है, एंगल इन द सेमी सर्किल इज 90 degree एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी, दीज टू आर इक्वल। यू हैव टू फाइंड एंगल सी ए बी, सी ए बी एंगल निकालना है। सो इसको आप एक्स मान लें, तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा। अपोजिट इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। सो हम यहाँ पर कर सकते हैं 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। सो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वही एंगल सी ए बी होगा। सो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90, दैट इज 90, और 90 अपॉन 2 दैट इज 45। सो x की वैल्यू है 45। सो आपका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 45। सो एंगल सी ए बी आपका क्या आ जाएगा? 45 degree का एंगल आ जाएगा। नाउ आई प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है एंगल ओ ए बी 40। ओ ए बी ये एंगल आपका 40 है। ए सी बी फाइंड करना है, ए सी बी दिस एंगल यू हैव टू फाइंड। सो बहुत ध्यान से देखेंगे, ओ ए बी 40 है, सो ये वाला एंगल भी 40 होगा, बिकॉज ओ ए एंड ओ बी आर रेडियाई एंड इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। सो ये 40 तो ये भी 40। फिर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आपकी आ जाएगी 180 माइनस 80, दैट इज 100। ये 100 आ गया। सो एंगल ए ओ बी आपका 100 आ गया। ओके, नाउ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। सो देखिए, ए बी आर्क है, इसने एक एंगल सबटेंड किया सेंटर पे ए ओ बी, और इसने दूसरा एंगल सबटेंड किया ए सी बी। सो एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 100, और ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 250 times 100, दैट इज 50 degree। सो हेयर ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन इज इन फिगर 10.7। सो 10.7 फिगर है, एंगल डी ए बी 60। डी ए बी ये आपका 60 है, ए बी डी 50। ठीक है, ए बी डी 50 है, ए सी बी आपको निकालना है, ए सी बी निकालना है। सो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए डी बी, यू कैन सी इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी ट्राइंगल में एक एंगल 60 आपको पता है, दूसरा 50 पता है। सो तीसरा एंगल ये आ जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम 60 और 50 हो गया आपका 110, और ये आ जाएगा 70 degree। ठीक है, अब देखिए ए डी बी आपका आ गया 70 degree, दिस इज 70 degree। नाउ यू कैन सी ए बी इज़ अ सेगमेंट, ए बी से जो पार्ट है ये आपका सेगमेंट है, और इस सेगमेंट से एक एंगल बन रहा है एंगल ए डी बी, और दूसरा एंगल बन रहा है ए सी बी। सो एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, देयरफॉर एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू 70 degree, बिकॉज एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 70 degree। सो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो 8 का फिगर हम बनाएंगे साइड में। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखते हैं क्या है इसका फिगर क्वेश्चन नंबर 8 का। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करना है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो हमने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया ए बी सी डी,
सो कंसीडर कर रहे हैं ए बी सी एंड डी. ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक कॉरिडोर, मीन्स ऑल द फोर वर्टिसेस आर टचिंग द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल. एंड इसमें कह रहा है ए बी इज़ द डायमीटर, ठीक है, ए बी आपकी डायमीटर है. ओके नाउ इसमें कह रहा है एंड एंगल ए डी सी 140, ए डी सी जो आपका एंगल है ये आपका 140 डिग्री है. ओके यू हैव टू फाइंड एंगल बी ए सी. सो बी ए सी एंगल आपको ये वाला एंगल बताना है, ठीक है. सो देखते हैं कैसे आएगा. सबसे पहले तो ए डी सी और एंगल डी प्लस एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, 180 होगी. अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. सो ये आपका आ जाएगा 40 डिग्री, ये आ जाएगा 40 डिग्री. अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. एंड दिस एंगल ये एंगल आपका आ जाएगा 90 डिग्री. क्यों आ जाएगा, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. फिर से हम बता रहे हैं एंगल बी की वैल्यू 40 आ जाएगी, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड एंगल ए सी बी आपका 90 आ जाएगा बिकॉज ए बी डायमीटर. सो एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यू कैन फाइंड एंगल सी ए बी. सो एंगल सी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 180 माइनस इन दोनों का सम 40 प्लस 90 40 हो जाएगा 130 और आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 आएगा आंसर. ओके सो इसका आंसर होगा डी सॉरी बी 50 बी आंसर होगा 50. ओके 50 इसका आंसर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट. एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 50 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन आप देखिए फिगर नंबर 10.8. ओके फिगर आपका 10.8 है. बी सी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल, बी सी आपकी डायमीटर है, ठीक है. और इसमें कह रहा है एंगल बी ए ओ 60 डिग्री, बी ए ओ दिस इज 60 डिग्री. ओके दिस इज 60 डिग्री एंड ए डी सी इज इक्वल टू ए डी सी, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक. अब देखिए बी ए ओ 60 है सो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा बिकॉज ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस. सो इक्वल साइड है, इक्वल अपोजिट एंगल. सो ये वाला 60 है सो एंगल ए बी ओ भी 60 हो जाएगा. एंड यू कैन सी दैट ए सी इज अ सेगमेंट, ए सी जो सेगमेंट है उससे दो एंगल बन रहा है. पहला बन रहा है ए बी सी और दूसरा बन रहा है सी डी ए. सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दोनों इक्वल होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री. सो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 60 डिग्री. एंगल ए डी सी इज 60 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का और देखेंगे क्या है. इन फिगर 10.9 इज द फिगर, एंगल ए ओ बी इज 90, ए ओ बी इज 90. ओके एंगल ए बी सी इज 30, ए बी सी इज 30. एंगल सी ए ओ आपको फाइंड करना है, सी ए ओ यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक. अब देखिए सबसे पहले तो ये आपका 30 है, ये 90 है. सो ये सेंटर है, एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क, ए बी इज़ अ आर्क एंड एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्सटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल. सो ये एंगल आपका हो जाएगा 45. कैसे होगा, एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क वाली प्रॉपर्टी से 45 हो जाएगा. अब आप देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये हो जाएगी आपकी 180 माइनस, क्या माइनस करेंगे, 45 प्लस 30 दैट इज़ 75 और ये आपका आ जाएगा 105, ये आपका आ जाएगा 105, ठीक है. ये पूरा एंगल आपका आ गया 105. ओके ये आपका आ जाएगा 105. अब बहुत ध्यान से देखेंगे ओ बी एंड ओ ए आर इक्वल, ओ बी एंड ओ ए आर इक्वल. सो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, ठीक है. ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा. कैसे इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल. सो ये 90 है सो बाकी दोनों कितने होंगे, 45 के होंगे. सो एंगल सी ए ओ, एंगल सी ए ओ विल बी इक्वल टू 105 माइनस 45 और ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है. ये एंगल सी ए ओ जो इतना पार्ट है ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री. सो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बेटा यहाँ पे 90 है सो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ओ बी एंड ओ ए आर रेडियस. सो 105 में से 45 हमने माइनस कर दिया सो आंसर आ गया 60 डिग्री. ओके स्टूडेंट थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स.